आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें प्रश्न में दिया गया फलन fx बराबर cos x माइनस sin x की संततता पर विचार करें। ठीक है, तो देखिए, हम मान लीजिए हम किसी भी एक स्वतंत्र बिंदु x बराबर a पर संततता की जांच करते हैं। ठीक है, तो देखिए, कोई भी फलन सतत कब होगा? जब उसकी बाईं सीमा, है ना, बाईं सीमा मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और दाईं सीमा राइट हैंड लिमिट, तथा उस बिंदु पर, जैसे हम बिंदु ए ले रहे हैं, तो इस बिंदु पर फलन का मान, ये तीनों अगर बराबर आ जाते हैं, ठीक है ना, तो ये हमारा सतत होगा, ठीक है, अन्यथा सतत नहीं होगा। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हम LHL निकाल लेते हैं और RHL निकाल लेते हैं। तो LHL के लिए क्या करेंगे, हमारा लिमिट x बराबर a पर ले रहे हैं, तो यहाँ पे LHL में x बराबर अग्रसर है a माइनस की ओर, और हमारा जो फलन है वो क्या है, cos x माइनस sin x। ठीक है, इसे हल कर लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट cos a माइनस है तो हो जाएगा cos a माइनस h माइनस sin a माइनस h। ठीक है, और ये जो हो जाएगा हमारा h अग्रसर है जीरो की ओर। ठीक है, बाईं ओर की सीमा निकालने के लिए ऐसे करते हैं, है ना, a माइनस, क्योंकि संख्या रेखा में माइनस बाईं ओर होती है ना, लेफ्ट साइड होती है, तो a माइनस लिया गया है, और x को हम कर लेंगे a माइनस h से प्रतिस्थापित, और जहाँ पे h हमारा एकदम लगभग जीरो के बराबर है ना, एग्जैक्टली जीरो नहीं है लेकिन टेंड्स टू जीरो है, अग्रसर है जीरो की ओर। अब देखिए इधर, अब हम इसका कॉस और साइन का सूत्र लगाते हैं, कॉस ए माइनस बी और साइन ए माइनस बी का सूत्र, है ना, सूत्र याद नहीं होगा, सूत्र लिख देता हूँ, साइन ए माइनस बी जो होता है वो होता है हमारा साइन ए कॉस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए साइन बी, ये गुणा में है दोनों, और कॉस के लिए सूत्र क्या होता है, कॉस ए माइनस बी वाला, ये होता है कॉस ए कॉस बी धन साइन ए साइन बी। ठीक है, और अगर साइन में यहाँ धन आता है तो यहाँ धन हो जाता है, और कॉस में अगर यहाँ धन आता है तो यहाँ ऋण हो जाता है, उल्टा रहता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा हमारा कॉस ए कॉस एच, ठीक है, माइनस है तो प्लस, साइन ए साइन एच। ठीक है, अब इसकी बारी, तो इसका सूत्र होता है साइन ए कॉस एच, और माइनस है तो माइनस रहेगा कॉस ए साइन एच, लेकिन यहाँ देखिए सामने भी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम लिमिट रख देते हैं, ठीक है, लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो कॉस ए लिमिट रखने पर कॉस ए कॉस जीरो, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन ए साइन जीरो माइनस साइन ए कॉस जीरो, और इधर हो जाएगा कॉस ए साइन जीरो। अब हमें पता है साइन जीरो जीरो होता है लेकिन कॉस जीरो एक होता है, तो ये हो जाएगा एक एक गुणित कॉस ए, तो यहाँ आ जाएगा कॉस ए, ठीक है ना, ये याद रखना ये भी कि साइन जीरो जीरो होता है और कॉस जीरो एक होता है, तो कॉस ए हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और ये साइन ए हो जाएगा माइनस साइन ए, सॉरी ये स्मॉल लेटर में है, कॉस ए और ये साइन ए, ठीक है, और ये साइन जीरो ये भी जीरो हो जाएगा, तो हमारा जो एल एच एल आ जा रहा है बाईं ओर की सीमा, ये क्या है, कॉस साइन ए,
से समीकरण एक लेते हैं हम। अब हम आरएचएल निकालते हैं, तो आरएचएल मतलब दाईं ओर की सीमा, तो यह होता है लिमिट एक्स अग्रसर है ए प्लस, ए की दाईं ओर, ठीक है। और हमारा फलन क्या दिया गया है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब ये हो जाएगा हमारा लिमिट कॉस एक्स की जगह लिख देंगे ए प्लस एच, और यहाँ साइन ए प्लस एच, और ये हो जाएगा हमारा एच जो है हमारा जीरो की ओर अग्रसर है। अब हम सूत्र लगा देंगे जो ऊपर लिखा था, तो हो जाएगा लिमिट एच अग्रसर है जीरो की ओर, ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और यहाँ हो जाएगा साइन ए कॉस बी, और प्लस कॉस ए साइन बी, लेकिन माइनस है तो ये भी माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा अपना कॉस ए साइन बी। अब हम यहाँ भी लिमिट रख देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस जीरो एक, तो आ गया कॉस ए, और साइन जीरो जीरो तो एक जीरो हो जाएगा पूरा, और यहाँ कॉस जीरो यहाँ भी एक, तो ये आ गया साइन ए, और यहाँ पे साइन एच है तो साइन जीरो जीरो, ये भाग भी जीरो हो गया, तो हमारे पास आ गया कॉस ए माइनस साइन ए। तो हमारे आर एच एल की जो मान है ये भी कॉस ए माइनस साइन ए है, ठीक है। अब हम बिंदु ए पर एक्स बराबर ए पर फलन का मान देख लेते हैं, तो एफ ए बराबर हो जाएगा, जहाँ एक्स है वहाँ हम ए रख देंगे, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स की जगह ए माइनस साइन एक्स, तो एक्स की जगह ए, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, समीकरण एक दो और तीन तीनों में है ना, एक दो व तीन से, तो ये हो जाएगा अपना, हम देख रहे हैं कि एल एच एल आर एच एल और इस बिंदु पर हमारे फलन का मान एफ ए, तीनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक, तीनों बराबर हैं, इसलिए जो हमारे इसलिए, और ए हमने जो माना था एक स्वतंत्र एक्स मतलब कोई भी स्वतंत्र मान लिया था एक्स का, है ना, तो इसलिए जो हमारा फलन है एफ एक्स, है ना, एफ एक्स जो है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स यह सतत है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट आईआईटी जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।